हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो D3 क्लब में प्लेयर कार्ड्स की मैक्सिमम XP कितनी हो सकती है, और साथ में ही ये बताऊंगा कि XP क्या है या फिर XP बूस्ट क्या है। ये बिल्कुल न्यू अपडेट है आप लोगों के लिए, और XP का बहुत बड़ा रोल होता है रेडियो में विन करने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं रेडियो D3 क्लब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी प्लेयर कार्ड्स की मैक्सिमम XP कितनी हो सकती है। अनलिमिटेड हो सकती है क्या, चाहे वह ब्रोंज कार्ड हो, ब्लैक कार्ड हो, गोल्ड कार्ड हो, सिल्वर कार्ड हो, तो इनकी मैक्सिमम XP क्या होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नंबर 1 रैंक लाने में XP का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसकी जानकारी के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में ले चलता हूँ और वहाँ पे चल के मैं आपको पूरी बात A to Z समझाता हूँ। तो चलिए अब मैंने अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आ गया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास D3 क्लब का एप्लीकेशन ऑलरेडी है। ऑलरेडी मेरे पास D3 क्लब का एप्लीकेशन है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग भी डाउनलोड कर लो, जिससे आप लोगों की लाइफ भी आसान हो जाएगी और आप आसानी से D3 क्लब यूज कर सकते हैं। तो चलिए D3 क्लब में क्लिक करते ही एक ऐसा इंटरफेस आएगा, और जब आप क्या करते हो, मार्केट प्लेस से प्लेयर कार्ड्स खरीदते हो। ये है मार्केट प्लेस यहाँ पर, तो चलिए मैं मार्केट प्लेस में ले चलता हूँ। जब आप क्या करते हो, मार्केट प्लेस से कोई भी प्लेयर कार्ड्स खरीदते हो तो उसकी XP होती है। तो चलिए यहाँ पर मार्केट प्लेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर कार्ड्स हैं, और कोई भी एक प्लेयर कार्ड्स में चूज करके आपको पहले XP दिखा देता हूँ कि XP क्या है, और XP कैसे मिलती है ये भी पता चल जाएगा आपको, और मैक्सिमम XP कितनी होगी वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर कार्ड्स हैं, लेकिन मैं ले लेता हूँ किसे, सुरेश रैना को ले लेता हूँ, सुरेश रैना को छोड़ दो, इस सोढ़ी को ले लेता हूँ, क्योंकि सुरेश रैना ने बहुत कम मैच खेले हैं, इस सोढ़ी ने ज़्यादा मैच खेले हैं। तो इसलिए मैं इस सोढ़ी को ले रहा हूँ। तो चलिए मैं इस सोढ़ी को जब बाई करूँगा मार्केट प्लेस से, तो मैंने बाय में क्लिक किया तो यहाँ पे इसका E-Sodhi का पूरा बायोडाटा आ जाएगा। यहाँ पे E-Sodhi का बारे में आ जाएगा कि E-Sodhi किस टीम से है और कौन कौन सी लीग में खेला है, और यहाँ पे प्राइस अभी नीचे लिखा है सेलेक्ट एंड बाय, तो आपको इसमें जाना है, या फिर जब आप इसमें जाते हो तब आपको क्या शो होता है, XP शो होता है। तो XP को पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे XP 1% है, यहाँ पे 0.5% है, यहाँ पर भी 0.5% है, उसके बाद नीचे 1% है, और उसके नीचे और जाएंगे तो ऐसे ही XP आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे 1.5% है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये हुई XP की बात कि यहाँ पर अलग अलग XP है प्लेयर कार्ड्स की। ये E-Sodhi का प्लेयर कार्ड्स है। तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि नंबर 1 रैंक लाने में इसी का योगदान है XP। XP एक जड़ी बूटी है जो कि नंबर 1 ला सकती है आपको, किसमें, रेडियो के कॉन्टेस्ट में। तो ये कैसे मिलती है और मैक्सिमम कितनी होगी, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको पहले बैक आ जाता हूँ। चलिए यहाँ से कट कर देते हैं इसे, और कट करने के बाद मैं कहाँ चलता हूँ, होम पेज पे आ जाता हूँ, और होम पेज पे आके मैं आपको पूरी बात बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं होम स्क्रीन में आ गया हूँ, और होम स्क्रीन में आके आपको सबसे नीचे आना है। कहाँ पर आना है, सबसे नीचे, और यहाँ पर पॉइंट सिस्टम है। चलिए एक बार फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो होम स्क्रीन में आके आपको सबसे नीचे आना है, और यहाँ पे है पॉइंट सिस्टम, आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है,
तो पॉइंट सिस्टम में ही एक्सपी के बारे में रेडियो ने बताया है, और इसीलिए मैं हमेशा प्रूफ के साथ सारी चीज़ बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए और आपको पूरी बात समझ सके और आपको विश्वास हो। जब आप प्रूफ देखोगे तभी तो विश्वास होगा, इसलिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ। यह पॉइंट सिस्टम कुछ जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोज में बता रखा है कि बेस पॉइंट और एक्सपी बूस्ट और कैटेगरी बूस्ट और इन सब का कंक्लूजन जो होता है वही पॉइंट सिस्टम होता है। ओके, इसकी जानकारी मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। और रेडियो ने केवल T10, T20 और ODI के लिए ये पॉइंट सिस्टम निर्धारित किया है, टेस्ट मैच के लिए नहीं किया है। तो अभी फिलहाल टेस्ट मैच नहीं आएगा रेडियो में, अगर फ्यूचर में आएगा तो रेडियो क्या करेगा, यहाँ पर अपडेट कर देगा टेस्ट मैच का भी पॉइंट सिस्टम। अब आपको जस्ट नीचे आ जाना है, मैं कैटेगरी बूस्ट के बारे में नहीं चर्चा करूंगा, अब मैं एक्सपी बूस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रेडियो ने क्या बोला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, मैंने जूम कर लिया और जूम करने के बाद ये लिखा है एक्सपी बूस्ट या एक्सपी, तो इसके 6 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट जो लिखा है, बूस्ट यू गेट व्हेन एवर द प्लेयर इन द कार्ड्स प्लेज ए मैच। जब आपके पास जो प्लेयर कार्ड है, सपोज दैट कार्तिक का प्लेयर कार्ड है, दिनेश कार्तिक का, तो वो जब मैच खेलेगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपी या एक्सपी बूस्ट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, बूस्ट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपी ऑफ द कार्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कॉन्टेस्ट। मतलब अगर आपका प्लेयर कार्ड्स अभी आप कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर रहे हो, उसका प्लेयर कार्ड्स दो, उसका एक्सपी कितना है 2%, तो मैच के लिए आपकी एक्सपी 2% काउंट होगी। ओके, एक्सपी आप इस कार्ड परचेज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जब आप क्या खरीदते हो, प्लेयर कार्ड्स का पैक खरीदते हो, तब आपको जो प्लेयर कार्ड्स मिलेगा ना उसकी एक्सपी जीरो रहेगी। ओके, तो उसकी एक्सपी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। या फिर आप मार्केट प्लेस से खरीदो इनिशियल में, अगर रेडियो सेल कर रहा है तो इसकी भी एक्सपी क्या होगी, जीरो होगी। चौथा पॉइंट क्या है, एक्सपी ऑफ द कार्ड विल इंक्रीज एट द एंड ऑफ द मैच। मतलब मैच के समाप्त होने के बाद एक्सपी बढ़ जाएगी 2%। इसमें क्या है, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट, बाय 2% इफ यू आर यूजिंग द कार्ड इन ए कॉन्टेस्ट। मतलब अगर आपने प्लेयर कार्ड्स को, सपोज दैट दिनेश कार्तिक को टीम में बना के खिलाया है, कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किया है, तो 2% मिलेगा। लेकिन अगर आपने दिनेश कार्तिक को खरीद के रखा है और उसे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन नहीं किया है, मतलब उसे D3 के जो टीम बनाया है उसमें शामिल नहीं किया है, तो आपको केवल कितना मिलेगा, 0.5%। ओके, पांचवा क्या है, न्यू एक्सपी बिलो नेक्स्ट मैच। मतलब अगर जैसा आज आपने क्या किया, आज के मैच में दिनेश कार्तिक जब ज्वाइन किया था उसकी एक्सपी 2% थी, तो मैच के समाप्त होने के बाद एक्सपी कितनी हो जाएगी, 4%। और नेक्स्ट मैच जब यूज होगा ना, तब आप 4% एक्सपी के साथ दिनेश कार्तिक को खिला सकते हैं। और एक्सपी का क्यों इतना ज़्यादा पंगा है, क्योंकि नंबर वन रैंक लाने में एक्सपी का बहुत बड़ा योगदान है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम एक्सपी कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम एक्सपी यू अर्न ऑन ए कार्ड इज हायर फॉर हायर कैटेगरी। मतलब हायर कैटेगरी के कार्ड के लिए हायर क्या होगी, हायर एक्सपी। जैसा कि अगर अब दिनेश कार्तिक के 4 कार्ड हैं आपके पास, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, तो ब्लैक कार्ड की जो मैक्सिमम एक्सपी होगी वो 60 होगी, गोल्ड कार्ड की मैक्सिमम एक्सपी 45 होगी, उसके बाद सिल्वर कार्ड की मैक्सिमम एक्सपी 30 होगी और ब्रोंज कार्ड की मैक्सिमम एक्सपी 20 होगी। मतलब 20 से अधिक, सपोज दैट दिनेश कार्तिक की मैक्सिमम एक्सपी कितनी पहुंच गई, 20 तक पहुंच गई दिनेश कार्तिक की एक्सपी, अब इससे ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो ऐसे ही सिल्वर कार्ड की मैक्सिमम एक्सपी 30 से ज़्यादा नहीं होगी और गोल्ड कार्ड की एक्सपी 45 से ज़्यादा नहीं होगी और ब्लैक कार्ड की एक्सपी 60 से ज़्यादा नहीं होगी। मैंने कुछ वीडियोज में बोला था अनलिमिटेड है, क्योंकि मुझे रेडियो की तरफ से इनपुट मिला था और पहले जो रेडियो का ये पॉइंट सिस्टम था वो अनलिमिटेड वाला ही था, लेकिन रेडियो ने डे बाई डे अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद मुझे ये अपडेट मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बीच में तो इसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन शुरू में मैं जब था तब रेडियो ने अनलिमिटेड ही बता रखा था, लिमिटेड जैसे ही बता रखा था, लेकिन अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ब्लैक की 60, गोल्ड की 45, सिल्वर की 30 और ब्रोंज की 20 ही एक्सपी होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब
प्लेयर कार्ड्स की एक्सपी अनलिमिटेड नहीं हो सकती है। सभी लोग हमेशा पूछते हैं कि सर प्लेयर कार्ड्स की एक्सपी मैक्सिमम कितनी हो सकती है या कितनी होती है, तो आप देख लिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।